जय हिंद बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर। और इस नए लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे अपना बिल्कुल नया चैप्टर। यह है चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। कुछ असाइनमेंट बचेंगे वो आप लोगों को टाइम के साथ मिल जाएंगे। जब भी यहाँ क्लास स्टार्ट होगी तो आप लोगों को एक बार फिर से पढ़ा दिया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पहली यूनिट को ही कनेक्ट करता है। बस इसका नाम चैप्टर 2 हो चुका है, ये कनेक्ट उसी यूनिट के साथ है। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर हम इसके मेन वर्ड्स को समझते हैं। पहले चैप्टर में एंटर करने से पहले इस चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक्स, बहुत ज़्यादा बेसिक टर्म्स यूज होने वाली हैं, ठीक है, जो इस चैप्टर के अंदर थ्रू आउट चलेंगी और उनको लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके माइंड में हो सकता है। जैसे कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या सिग्निफाई कर रही है, रिपल्सिव अट्रैक्टिव और बहुत सारी चीज़ें, एक्सटर्नल वर्क मतलब एक्सटर्नल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको लेके मतलब हमें उनका मतलब कहीं पता नहीं होता और हम लोग चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते थे। तो मैं आज उन्हीं बेसिक चीज़ों को लेके स्टार्ट करूंगा और जो आपको नोट्स मिलेंगे आज के उसमें आपको दो डेफिनेशन स्टार्टिंग में मिल जाएंगी। फिर वो देखेंगे हम वो दो डेफिनेशन पढ़ते क्यों हैं। मैंने उसके लिए एक नॉलेज क्लाउड आपको दिया हुआ है, वो पूरा का पूरा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसको समझने की कोशिश करना। बिल्कुल एनसीईआरटी से कॉपी किया गया है, एनसीईआरटी का जो करेक्ट है मैंने उसे निकाला हुआ है, कोशिश करूंगा कि आपको पूरा समझ आए। देखिए इस चैप्टर के अंदर बेसिकली दो वर्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। जो ये वर्ड है कैपेसिटेंस, ये आपको तब तक नहीं समझ आएगा जब तक आपको इस वर्ड की क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। और ये वर्ड आपको सही मायने में तब तक नहीं समझ आएगा जब तक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता होगी। यानी कि आपको पोटेंशियल एनर्जी पता होना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा इस चैप्टर को समझने के लिए आपको जरूरत है पोटेंशियल एनर्जी की। और वो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होती है, बहुत टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए देखते हैं वो कैसे जनरेट होती है, कहाँ से आती है और हम उसे कैसे पढ़ते हैं। बिल्कुल बच्चों की तरह समझने की कोशिश करेंगे, छोटे बच्चों की तरह से, बिल्कुल बेसिक लेवल से, उम्मीद करूंगा आपको समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई लोगों। देखिए यहाँ पर मैं कुछ वर्ड बोलूंगा, कंजर्वेटिव वर्ड बोलूंगा और एक दो वर्ड और बोलूंगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग 10th में पढ़ते आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सुना होगा आपने। फिर आप लोगों को किसी ने ये पढ़ाया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब ये बताया होगा पोटेंशियल, हमने बोला होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आपने सुना होगा। फिर हमने सुना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों में कौन ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, कौन ज़्यादा प्रैक्टिकल है, सोचो अभी आपको पता लग जाएगा कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मान लो कि मेरे पास ये एक सबसे मेन चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक है। और मेरे पास एक दूसरा चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। मैं इस चार्ज को, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट आर है, मैं इसको किसी आर पॉइंट से किसी पी पॉइंट की तरफ लेके आया, ठीक है। अब ये जो मैंने केस कंसिडर किया है, मैं अट्रैक्टिव वाला केस भी कंसिडर कर सकता हूं, बट मैंने रिपल्सिव वाला केस कंसिडर किया है क्योंकि ये समझने में ज्यादा कन्वीनियंट है, ठीक है। अब देखो जब मैं इसको इस तरफ लेके आऊंगा, आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं इसको इस तरफ लेके आऊंगा तो क्या ये जो पॉजिटिव चार्ज है क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड माने इलेक्ट्रिक फोर्स, तो क्या ये इसको रिपेल नहीं करेगा। यानी कि क्लियर दिख रहा है ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी फोर्स इस तरफ होगी, इसका नाम होगा एफ ई, इलेक्ट्रिक फोर्स। और अगर मुझे आर पॉइंट से पी पॉइंट पे इस क्यू को लेके जाना है तो मुझे इस फोर्स को अपोज करना पड़ेगा। वो मुझे बोल रही है उधर चलो, मैं बोल रहा हूँ नहीं, मेरे को तो जाना है, मेरे को अपना काम करना है, मेरे को अपना काम करना है, मेरे को अपना काम करना है। इसका मतलब मुझे इसके अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं बात है। जब तक मैं इसके अगेंस्ट में यहां से मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं तब तक ये यहां नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि वो उसको अपोज कर रहा है। तो मुझे एग्जैक्टली जितनी ये फोर्स है इसको ही मुझे अपोज करना है। फ्रिक्शन का यहाँ पर छोड़ दीजिए, फ्रिक्शनल फोर्स का छोड़ दीजिए, मुझे सिर्फ इस फोर्स को यहाँ पर एग्जैक्टली अपोज करना है ताकि मैं यहाँ पहुंच जाऊँ। यानी कि इस चार्ज को आर पॉइंट से पी पॉइंट लाने के लिए मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी जो मेरे बिल्कुल इक्वल अपोजिट होगी इलेक्ट्रिक फोर्स के, ताकि वो उसे क्या करे, अपोज करे। तो हमेशा याद रखना कि जो आपकी एक्सटर्नल फोर्स होगी वो आपकी बिल्कुल अपोजिट होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फोर्स की, इस केस के लिए, इस केस के लिए, पॉजिटिव वाले केस के लिए। सही बात है। अब सोचिए जब आपने एक्सटर्नली कोई फोर्स किया किसी बंदे के ऊपर तो आपने वर्क किया, समझो मेरी बात, आपने क्या किया, वर्क किया। जो आपने वर्क किया, जो आपने वर्क किया, वर्क की यूनिट और एनर्जी की यूनिट सेम होती है, वर्क की यूनिट एनर्जी यूनिट क्या होती है, सेम होती है। तो इस केस में इसको यहां से उठा के यहां लाने के लिए जो आपने वर्क किया वही इसके अंदर
क्या हो गया, स्टोर हो गया, वही इसके अंदर क्या हो गया, स्टोर हो गया, और वो कहलाया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू। और इसको अगर हम पूरा नाम दें तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू। समझने की कोशिश कीजिए, जिस तरह से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं है ना, वो मासेस के लिए होती है, सेम तरीके के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। इट इज समवट असाइंड टू चार्जेस, वो हम चार्जेस के लिए पढ़ते हैं। बिल्कुल आप यहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिए, वहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड थी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स थी, यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स हो गई। ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव थी, कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि कुछ कोई ऐसी फोर्स जो सिर्फ पोजिशन पर डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती, पहली चीज। दूसरी चीज जो अभी आपको थोड़ी देर में समझ आएगा, एनर्जी कंजर्वेशन, उससे भी आपको समझ आएगा कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है, मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपको समझ आ गया, तो ये एनर्जी किसके अंदर स्टोर हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू। बोलिए यार, अब देखिए, अब आपको और बढ़िया समझ आया कंजर्वेटिव नेचर क्या होता है। मान लो आप इसको लेके पी पॉइंट पे पहुंच गए, बिल्कुल समझने का लेक्चर है अभी स्टार्टिंग के लिए। मान लो आप इसको लेके कहां पहुंच गए, पी पॉइंट पे पहुंच गए। जैसे ही आप इसको लेके पी पॉइंट, बोलो यार, अब लिखने लिखने का काम नहीं है, नोट्स लिख लिए, छाप लिए, वो सब हो जाता है। किसी भी चैप्टर का जब कोई पहला लेक्चर होता है, जब कोई पहली क्लास होती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वही आपका बेस बनाती है पूरे चैप्टर के लिए। जब तक आपको ये बेसिक टर्म्स अगेंस्ट स्टोर्ड एनर्जी पोटेंशियल ये सब चीज़ें नहीं समझ आएंगी, तो आपके लिए कैपेसिटेंस के कैपेसिटर के अंदर जाके उसकी एनर्जी को समझना भी महाभारत है। ठीक है, तो बेसिक चीज समझिए, मैंने क्या किया, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई ताकि ये पी तक आए, जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई उसकी वजह से इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, एक्सटर्नल फोर्स लगी, कुछ वर्क हुआ, वही वर्क इसके अंदर क्या बन गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन के अंदर क्या हो गया, स्टोर हो गया। जैसे ही यहाँ पहुंचे, आप समझो, जैसे ही यहाँ पहुंचा, इसके अंदर क्या स्टोर हो चुकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लेके बैठा हुआ है वो। ठीक है, अब क्या किया, जैसे मैं पॉइंट पी पे पहुंचा, मैंने ये फोर्स लगानी बंद कर दी। भाई क्यों करी मैंने फोर्स लगानी बंद, क्योंकि मेरा एम तो अचीव हो गया ना, मैं पहुंच तो गया हूं, मैं यहां पहुंच चुका हूं, तो मैंने ये फोर्स लगानी बंद कर दी। अब जैसे ही मैंने ये फोर्स लगानी बंद करी, अब इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेगी चल निकल, चल निकल, जहां से आया था वहीं निकल। इसका मतलब पहले मैंने इस पे वर्क किया इधर आने के लिए, बाद में ये जो अब समझने की कोशिश की, बाद में इस फोर्स की वजह से दोबारा वापस इधर जाएगा। अब जरा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए कि जो इधर जाने के लिए एनर्जी मैंने लगाई, इधर जाने के लिए इस पे एनर्जी कहाँ से आई। ठीक है, वो एनर्जी इसी के अंदर स्टोर थी, यानी कि इस बंदे ने, हाँ लगी इसकी वजह से, इस बंदे ने इसको पीछे की तरफ धकेला, यानी कि अब जब ये पीछे की तरफ चलेगा, कंसेप्ट सोचो, भले ही इसने धकेला, जब ये पीछे की तरफ जाएगा, सोचो जब ये पीछे की तरफ जाएगा तो चल के जाएगा, ऐसे मूव कर जाएगा, मूव कर रहा है तो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जब ये अपना यहाँ से मेहनत करके यहाँ पहुँचा, फिर हमने ये एक्सटर्नल फोर्स हटाई, उसके बाद इसकी रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये दोबारा वापस जाएगा, तो इसके पास कोई वेलोसिटी गेन कर लेगा ये, इसका मतलब अब इसने कौन सी एनर्जी गेन कर ली, काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, ये काइनेटिक एनर्जी यही पोटेंशियल एनर्जी है, समझने की कोशिश कीजिए, यानी कि यही पोटेंशियल एनर्जी क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी। अगर यहाँ से आपने यहाँ तक लाने के लिए 5 जूल वर्क किया, तो ये वापस आपको कितना वर्क दे देगा, 5 जूल, यानी कि आपने 5 जूल वर्क किया और उस सिस्टम ने आपको दोबारा आपका 5 जूल वर्क वापस लौटा दिया। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव नेचर। तो इसका मतलब ये 5 जूल हमने किया और 5 जूल हमको वापस मिल गया, तो हम दोबारा उसी पोजीशन पर आ चुके हैं, जिस पॉइंट पे थे उसी पॉइंट पर आ चुके हैं, तो वर्क क्या हो चुका है, जीरो। तो समझने की कोशिश कीजिए, जो भी इस तरह की फोर्सेस होती हैं जहां पर दोबारा घूम के वर्क जीरो हो जाता है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। देखिए मैं आर पे था, मैं दोबारा आर पे आ गया, तो वर्क क्या हो गया, जीरो। तो ये सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, हम किस रास्ते गए, कहां से आए, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव नेचर, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि वर्क जीरो हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, कंजर्वेटिव तो है ही, ठीक है, और साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक कैसी फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है। अब कोई आपसे बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी फील्ड है, तो आप बोलेंगे कंजर्वेटिव फील्ड है, और आपको रीजन आप उसको समझा सकते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए बहुत सारे बच्चों को वर्ड कंजर्वेटिव में बड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कंजर्वेटिव का वर्ड समझ आ रहा होगा। कंजर्वेटिव के वर्ड को आप दो सेंस में लीजिए, एक तो वर्क जो होता है वो पोजिशन पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, दूसरा एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, मतलब उसका सम अगर इधर आने में आपने पोटेंशियल एनर्जी बन गई है, तो वही पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। समझने की कोशिश कीजिए, बहुत लॉजिकल चीजें हैं और बहुत ही इजी है, समझ आया, बोलो। अब देखिए देखो
मान लो ये पॉइंट है P और ये कोई पॉइंट है। दिल की खताई है क्या, इसको पता भी है क्या, इस बेरुखी के सिवा हमको जाना है कहाँ। देखो ये पॉइंट है R, इस पॉइंट आर पे कोई ना कोई तो पोटेंशियल एनर्जी बंदेगी होगी खुद की, कुछ ना कुछ तो उसका लेवल होगा। तो मान लो इस पे एनर्जी है यू आर और मान लो इस पे एनर्जी कितनी है यूपी। ठीक है, अब देखो कभी भी किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैटर नहीं करती, और जब किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैटर नहीं करती तो इसीलिए उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी मैटर नहीं करता। हमेशा क्या मैटर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। समझाता हूं कैसे। देखो आप बंदे को आर से उठा के लाए पी पे, यानी कि आर पे एनर्जी तो पहले से थी, जो थी वो थी, वो आपने थोड़ी दी उसको, उसकी पी पी को एनर्जी थी। आप उसको आर से उठा के लाए पी पे, यानी कि यू पी माइनस, सोचो मान लो पी पे पहुंचते बंदे की एनर्जी होगी 15 जूल, ठीक है, पर आर पे एनर्जी कितनी थी 10 जूल। यानी कि अगर आर पे 10 थी और पी पे 15 हुई तो आपने कितनी मेहनत करी, सिर्फ 5 की। अरे 10 तो पहले से थी ना उसके पास, 10 तो पहले से थी, 10 को आप सिर्फ कहां ले गए 15 पे। इसका मतलब यहाँ पे जो आपने वर्क किया वो सिर्फ आपने यूपी माइनस यूआर किया। समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे जो आपने वर्क किया वो सिर्फ आपने यूपी माइनस यूआर किया, मतलब आप सिर्फ 10 से तो आप पहले से थे, 10 थोड़ी आप लेके गए, 10 पे आप पहले से थे, आप 10 से 15 पे गए तो आपने सिर्फ 5 की मेहनत करी। समझने की कोशिश कीजिए, आप जो वर्क करते हैं वो सिर्फ डिफरेंस को मैनेज करने के लिए करते हैं, पॉइंट की एनर्जी को मैनेज करने के लिए करते, पॉइंट की एनर्जी तो पहले से उसके पास, सिर्फ इसका कितना डिफरेंस है। तो यही आपका कहलाएगा वर्क, कहां से कहां गए आप, आर से टी पे, तो यही आपका कहलाएगा वर्क। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो वर्क है ये कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, मतलब आप यहां से चाहे इस रास्ते आ जाओ, चाहे यहां से आप इस रास्ते आ जाओ। एक बंदे ने बोला भाई मैं तो यहां से आया हूं, मेरे को तो पता नहीं कितना वर्क लग गया, वो गलत बोल रहा है। वर्क कैसे निकाला जाएगा, 15 माइनस 10, चाहे आप किस रास्ते भी आओ, चाहे मैं घूम के यहां से आ रहा हूं तो वर्क कैसे निकलेगा 15 माइनस 10, चाहे मैं कहीं से आ रहा हूं, चाहे मैं यहां से आ रहा हूं तो वर्क कैसे निकलेगा 15 माइनस 10, चाहे मैं यहाँ से घूम के यहाँ से आ रहा हूँ, वर्क फिर कैसे निकलेगा 15 माइनस 10। यानी कि वर्क ऑलवेज डिपेंड्स इस केस के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वाला जो ये वर्क है हमेशा डिपेंड करता है फाइनल और इनिशियल पोजीशन के ऊपर, यानी कि पाथ पे डिपेंडेंसी इसकी नहीं है। यही कंजर्वेटिव नेचर है, कंजर्वेटिव फोर्स का ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जो वर्क होता है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा हम लोग डिफरेंस क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो ये एनर्जी का डिफरेंस होता है, जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वही हमें वर्क देता है, वही हमें क्या देता है, वर्क देता है, पहली चीज। इसीलिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को भी पढ़ते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पढ़ते, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को ही पढ़ते हैं, ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अब देखिए इसका एक और पॉइंट है, ऐसा क्या होता है कि ऐसा हो सकता है कि हमारे किसी भी पॉइंट्स की एनर्जी में कोई कॉन्स्टेंट ऐड हो, हमने कोई गलती की हो इंटीग्रेशन में, या हमने कहीं कोई साइंटिफिक परफॉर्मेंस के हमने कोई गलती की हो, है ना, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे दोनों पॉइंट्स की एनर्जी में कोई कांस्टेंट ऐड हो जो हम भूल गए हो। तो अगर मैं देखो, जैसे मान लो मेरे पास राकेश आया एक लड़का, और राकेश सिर्फ स्टडी करता है पॉइंट्स की एनर्जी की, ठीक है, तो उसने एनर्जी की स्टडी की यूपी, ठीक है, और यूपी की वैल्यू थी 10 जूल, ठीक है, और मान लो कोई ये कांस्टेंट था अल्फा, जो एनसेट में दिया हुआ है वो अल्फा भूल गया था, तो अब उसकी एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी असल में 10 प्लस अल्फा। ऐसी दूसरा लड़का है मोहन, इसकी एनर्जी की वैल्यू मान लो कुछ थी 9 जूल, और ये भी कांस्टेंट भूल गया, तो इसकी एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी 9 प्लस अल्फा। यानी कि अगर हम पॉइंट की स्टडी करें, सिर्फ एक पॉइंट के डिफरेंस की स्टडी ना करें, तो पहले आंसर था 9 और अब क्या होगा 9 प्लस अल्फा, पहले आंसर क्या था 10, अब क्या हो गया 10 प्लस अल्फा। लेकिन अगर हम डिफरेंस की स्टडी करें, किसकी स्टडी करें, डिफरेंस की, तो हमारे आंसर में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। मैं प्रूव करता हूं कैसे। देखो यूपी था, यूपी के साथ क्या ऐड हो गया अल्फा, माइनस ये क्या था यूआर, इससे भी क्या ऐड हुआ अल्फा, वो कांस्टेंट दोनों में सेम ऐड होगा, इक्वल टू क्या बन जाएगा डेल्टा यू, ठीक है। अब देखो यूपी प्लस अल्फा माइनस यूआर माइनस अल्फा, अल्फा से अल्फा कट गया, तो यूपी माइनस यूआर इक्वल टू क्या आ गया डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यूआर से पी। तो देखिए डिफरेंस में क्या हुआ, डिफरेंस में कोई भी फर्क नहीं आया, एनर्जी की डिफरेंस में कोई भी चेंज नहीं आया, जैसा वो डिफरेंस पॉइंट पे पहले था, जो डिफरेंस पहले था वही डिफरेंस अब रहा। यानी कि मैंने एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड कर दिया दोनों पॉइंट्स पे, मैंने एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड कर दिया दोनों पॉइंट पे, लेकिन जब मैं माइनस करूंगा तो वो कांस्टेंट तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे कितना इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। इसका मतलब हमेशा याद रखना, जब भी हम कभी किसी भी चीज के डिफरेंस को पढ़ते हैं, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हो,
चाहे वो पोटेंशियल सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस हो, तो उस केसेस में दोनों पॉइंट में जो भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि जब आप डिफरेंस निकालोगे तो आप दिस दिस माइनस दिस करोगे, तो जो भी आपने दोनों पॉइंट पे कॉन्स्टेंट्स लिए वो भी कैंसिल हो जाएंगे। तो इसीलिए डिफरेंस जो है वो मोर प्रैक्टिकल और मोर सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वहां पर जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा, बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, समझ आ गया। इसीलिए आपको समझ आ रहा होगा हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं कैसे पढ़ा जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं दो डेफिनेशन। हमको पता भी है क्या इन्फिनिटी लेते हैं, जैसे इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी में जीरो होती है, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोले कि भाई ये मेरा पॉइंट है पी और ये पॉइंट है इन्फिनिटी, आप यहाँ से किसी भी चीज़ को यहाँ पे ले गए, आपने कोई एनर्जी करी, इसकी एनर्जी कितनी होगी यू पी, इसकी एनर्जी कितनी होगी यू इन्फिनिटी, तो जो आप जो वर्क करोगे वो होगा वर्क इन्फिनिटी से कहाँ आने पे पी, तो ये कैसे निकलेगा यू पी माइनस यू इन्फिनिटी, और यू इन्फिनिटी क्या होता है जीरो, तो वर्क ऑफ इन्फिनिटी से पी कितना हो जाएगा सिर्फ यू पी। तो जब भी आपको कभी किसी सिर्फ एक पॉइंट की स्टडी करनी हो और डिफरेंस की स्टडी ना करनी हो तो अगला पॉइंट क्या ले लो इन्फिनिटी, इसी को तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये एनर्जी से ही ड्राइव हुआ है, समझने की कोशिश करो। वो तो उस टाइम आप टेंथ में थे तो आप लोगों को इस हिसाब से नहीं पढ़ाया जाता, बहुत ऊपर ऊपर से निकाल देते, ठीक है। चलिए अब देखिए मैंने आपको दो डेफिनेशन दी है, एक मैंने आपको दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और एक मैंने आपको दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, आइए दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो मान लो पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, मैंने पहले डिफरेंस की बात करते हैं। मान लो मेरा पॉइंट है आर, आर है तो पी हो गया, ये पॉइंट है पी, ठीक है। इस पॉइंट से आपने कोई चार्ज उठाया, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव भी ले सकते हैं आपकी चॉइस है, आपने इस चार्ज को उठाया और आपने चार्ज को उठाकर यहाँ लेके आए, तो आपको इस चार्ज को उठाने में कोई ना कोई तो वर्क करना पड़ा होगा, है ना, तो बिल्कुल सही। तो इस केस में जो आपको वर्क करना पड़ा पर यूनिट चार्ज, क्या बोला मैंने, इस केस में जो आपको वर्क करना पड़ा पर यूनिट चार्ज, एक डेरिवेशन आएगा आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसमें आपको कुछ और सही तरीके समझ आएगी, मैंने आपको सिर्फ बेसिक लेक्चर दिया है नॉलेज के लिए, ठीक है। चलिए तो अब आप बात कीजिए कि अब आप पहले सबसे पहले सुनिए मैंने क्या बोला, वर्क पर यूनिट चार्ज, यही पढ़ते हैं आप लोग, बोलो यार यही पढ़ते ना, वर्क पर यूनिट चार्ज यही पढ़ते ना आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये तो पढ़ते हैं आप लोग, वर्क पर यूनिट चार्ज यही पढ़ते हो, जरा इसे डिकोड करो तब आपको मजा आएगा। देखो मजा कैसे आएगा, डिकोड करो, डेल्टा वी इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल है तो ये क्या हो जाएगा वी पी माइनस वी आर इक्वल्स टू वर्क, वर्क कहां से कहां कर रहे हो आर से पी, अभी आपको सिखाया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आर अपॉन क्यू, तो असल सेंस में वो ये है, क्योंकि यही तो आपका वर्क बन गया था, मैंने आप सबसे पहले बताया था डेल्टा यू तो आपका वर्क बन गया था, है ना, तो वर्क ऐसे निकालते हैं। इसीलिए आपको अगर कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना है, इट इज डिफाइंड एज the amount of work done, it is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge, simplicity के लिए इसको हम plus one ले लेते हैं, यहाँ पर plus one कर देते हैं, unit positive charge, it is defined as the amount of work done in bringing unit positive charge from one point to another point, दोनों point रहेंगे, कोई भी infinity नहीं रहेगा यहाँ पर, समझ आ गया, clearly समझ आ गया आपको, तो ये क्या निकला difference, ये क्या निकला difference, और यही ज़्यादा logical है, difference से ज़्यादा logical है, क्यों, क्योंकि अगर डिफरेंस में आपने यहां भी कोई आर्बिट्री कांस्टेंट जोड़ दिया, यहां भी कोई आर्बिट्री कांस्टेंट जोड़ दिया, वो कट जाएगा, समझो ये आपका एडवांटेज है। अब बात करते हैं वर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ये तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब हम पढ़ रहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है। अब देखो क्या करो, सेम फिर से एक पॉइंट लो पी, अब की बार इस पॉइंट को इन्फिनिटी ले लो बहुत कहीं दूर, और ये प्लस क्यू चार्ज है, सेम वही कंसेप्ट लगाओ, मैंने समझने की कोशिश करना, मैं यहां से उठा के लाया एक चार्ज को यहां, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ा होगा, तो मैंने मान लो फिर से मान लेते हैं हम लोग कि मैंने इसको यहाँ से उठा के यहाँ लाया, तो मैंने वर्क कितना किया, मैंने मेरा पोटेंशियल कितना होगा वी पी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क कितना किया, मैं कहाँ से कहाँ लाया उसको, इन्फिनिटी से कहाँ लाया पी पे लाया, पर यूनिट चार्ज, कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सिंपलिसिटी के लिए, इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, समझिए ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकल के देगा यहाँ पर आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्फिनिटी का रोल यहाँ पर खत्म हो जाता है, कैसे वी इन्फिनिटी क्या होता है जीरो, तो ये क्या बच जाएगा सिर्फ वी पी, ऐसे ये क्या होगा, इसे हम क्या लिखते हैं बोलो यार, यू पी माइनस इन्फिनिटी जिस पे आए हो फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी जीरो, यू इन्फिनिटी क्या होता है जीरो, तो ये क्या बन जाएगा यू पी अपॉन क्यू, सॉरी
तो ये वीपी क्या आ गया आपका, सिर्फ यूपी अपॉन क्यू, या फिर सिर्फ इसे वर्क बोल सकते हो, वर्क अपॉन क्यू। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा, अगर हम एक वर्ड इन्फिनिटी रिप्लेस कर देते हैं तो वो सिर्फ बन जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपको पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में ज्यादा समझने की कोशिश करो, किस तरह से मैं यू लिख रहा हूँ, किस तरह से मैं यूपी माइनस यू आर की टर्म में उसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, ये आपके एग्जाम में आपसे यहाँ नहीं पूछेगा, ठीक है, बस कोर्स में इसमें मेंशन है तो मैंने करा दिया, ये पूछने के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल टेंथ जैसे हम टेंथ में पढ़ते हैं उस टाइप का कुछ बेसिक है। सही बात है, ठीक है। तो जो अगला वीडियो होगा वहाँ से आपका एक डेरिवेशन स्टार्ट होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सही बात है कि नहीं बात है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आएगा दोनों डेरिवेशन। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1.2 अनदर पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंग, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। सिर्फ इसमें इन्फिनिटी का फर्क है और इसमें दो पॉइंट है, इसीलिए ये डिफरेंस निकाल रहा है, क्योंकि ये दो पॉइंट्स हैं, ये डिफरेंस नहीं निकाल रहा है, क्योंकि एक तो पॉइंट है पर दूसरा इन्फिनिटी है, कहाँ से निकालना है डिफरेंस, इन्फिनिटी तो सबको जीरो ही होता है। समझ आ गया, तब तक के लिए जय हिंद।